आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आगरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी को दोस्त के आगे परोसते हुए देह व्यापार के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपी पति ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी और बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। बच्ची और पत्नी पर चाकुओं से कई वार किए। पत्नी की माने तो पति उसे जिस्म परोशी का धंधा करवाने चाहता है, जिसका विरोध किया तो आरोपी पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हमला कर दिया। आगरा के थाने सिकंदरा स्थित कारगिल पेट्रोल पंप के पास आयुष्मान अस्पताल में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई है। परिजनों ने आनंद फानंद में घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। नोएडा के बाद अब आगरा में होमगार्ड घोटाला सामने आया। पूरा मामला उजागर होने के बाद अब एसएसपी के आदेश पर 3 एडिशनल एसपी घोटाले की जांच करेंगे। आरोप है कि करीब 1500 होमगार्ड के वेतन में जमकर बंदरबांट हुआ। फिलहाल अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। सीतापुर में चलती कार के अंदर आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार दो लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि कार सवार सीतापुर से लखनऊ जा रहे थे। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पूरा मामला कमलापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। संत कबीर नगर की दो अलग अलग घटनाओं में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों मामले सदर कोतवाली खलीलाबाद के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सोनभद्र के जिला अस्पताल में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिला अस्पताल में पिछले 3 महीनों से डिजिटल एक्सरे की सेवा बंद पड़ी है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। ऐसे में निजी अस्पताल मरीजों का जमकर शोषण कर रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन मरीजों की इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अगर जिला अस्पताल में ये सुविधाएं बहाल नहीं की गयी तो सपा कार्यकर्ता एक सप्ताह बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सम्मानित जनता के साथ हम लोग जिला अस्पताल गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं शासन प्रशासन के विरोध में। और विगत 3 महीने से एक्सरे बंद है, जनता का लगातार शोषण हो रहा है। सोनभद्र अति पिछड़ा जिला क्षेत्र आता है, लेकिन लगातार यहां पे स्वास्थ्य सेवाएं गिर रही हैं, लगातार मरीजों का शोषण किया जा रहा है। और जो अल्ट्रासाउंड है 3 महीने में एक बार नंबर आ रहा है मरीजों का, इससे प्राइवेट अस्पतालों का बोलबाला हो गया है। मोटी रकम आम जनमानस से वसूला जा रहा है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शासन प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला प्रशासन को चेतावनी हम देते हैं, हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कि एक हफ्ते के अंदर अगर यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन चालू नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अस्पताल में भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शाहजहांपुर के थाना खुटार क्षेत्र स्थित गांव लालपुर में बालाजी महाराज के जयकारे लगे तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने देखा कि एक पीपल के वृक्ष में बालाजी महाराज की आकृति उभर आई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। पूरे वाक्य की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंची तो लोग बालाजी महाराज के दर्शन करने आने लगे। पीलीभीत में फर्जी आईडी बनाकर रेलवे टिकट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए विजिलेंस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर 27,000 रुपए के 31 रेलवे टिकट बरामद किए। पुलिस की माने तो आरोपी मोहसिन थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, जो फर्जी ई टिकट बनाकर रेलवे को लाखों का चूना लगा रहा था। बरेली के कस्बा फतेहगंज पश्चिमी स्थित भोलापुर में गंगा स्नान करते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम कृष्णपाल बताया जा रहा है, जो थाना शाही के ग्राम बकराव का रहने वाला है। युवक सुबह अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए भोलापुर गया था, जहां गंगा में नहाते वक्त अचानक डूब गया, जबकि उसके दो साथियों को स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।